10% लोभ दे के सभी आदमी से पैसा लिया, जो 10% का महीना के हिसाब से हम लोग देंगे। आदमी लोग दिया, धीरे धीरे जुड़ते गया, कुछ आदमी का ब्याज टाइम टू टाइम देते गया, आदमी उसमें संतुष्ट होने लगा, धीरे धीरे सबको देख के बहुत आदमी जुड़ गया। और अभी इतना पैसा ले लिया है कि हर एक आदमी कोई जेवर बेच के दे दिया है, कोई समूह उठा के दे दिया है, कोई किसी कुटुंब से उठा के दे दिया है, कोई साला से दे दिया है, हर एक आदमी हर एक पैसा दे दिया है। आदमी के जीने के लिए, खाने के लिए उपाय नहीं है, सब सेल्फस खाने के लिए इतनी तैयार है। गांव का आदमी कहता है हम सेल्फस खा के मर जाएंगे, पैसा है ये नहीं है, क्या करेंगे। कै करोड़ का लेके गया है, 100 करोड़ से ऊपर लेके गया है। कुछ दिन सब आदमी का टाइम टू टाइम दे दिया गया, इधर 3-4 महीना से सबका ब्याज भी रोक दिया और मूलधन भी लेके मंगलवार को वो भाग गया। गरी था उसके पास क्रिस्टा, वो भी लेके भाग गया। बैगन आर था, वो भी लेके भाग गया। मेरे गांव में 2017 से बिटकॉइन का धंधा चल रहा था मेरे ग्रामीण पंकज कुमार के द्वारा। इधर जाके पंकज कुमार हॉस्पिटल बनाए, 3 मंजिल का, और लोग देखे तो विश्वास हुआ कि जो बोले धंधा कर रहे हैं आपको, लोग को भी इसमें मुनाफा आएगा तो देंगे, हॉस्पिटल में शेयरदार बना देंगे, इतना पैसा बनाने में दीजिए, हम लोग को लोन निकलने वाला है, लोन निकलेगा तो दे देंगे, नहीं अगर लोन नहीं निकला तो आपको पार्टनर बना लेंगे। लगभग हम लोग को जानकारी में 100 करोड़ रुपया ही उठा लिया है हॉस्पिटल के नाम पर। सुनने में आया है 5 दिन पहले जो पंकज कुमार अपने पूरे परिवार पूरे एजेंट के साथ भाग खड़ा हुआ है, जिसमें कि 10-15 की संख्या में कुल एजेंट और पंकज कुमार इस संस्था पार्टनर के रूप में चलाते थे। हम लोग बहुत पीड़ित है, जितना कोरोना से नहीं मरे थे हमारे ग्राम में, उतना इस पैसा लेके भागने में लोग मरने के कगार में हैं, मर रहे हैं, आदमी बीमार है, परेशान है, पूरा गांव परेशान है, बर्बाद हो गया है। ये ठगी का मामला है, लोगों से पैसा लेकर के भाग गए हैं, इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है, अनुसंधान जारी है, अनुसंधान के बाद का अनुसंधान के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ABP News आपको रखे आगे।